देखो, मैंने सारी फाइलें निकाल कर रख दी है। मुझे सारी डिटेल्स याद से चाहिए। ऑल राइट, वेट अ मिनट। हेलो, रुक जाओ ना। वेट। हेलो, हाँ जोंगकुक, मैं बोल रही हूँ। जिमिन, व्हाट्स रॉन्ग जिमिन, क्यों फोन किया तुमने? इस वक्त मैं ऑफिस में रहता हूँ, तुम जानते हो ना। जोंगकुक, आई नो, मैं जानती हूँ, पर टेटी खाना नहीं खा रही है और उस तुम तो जानते हो ना, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैं कब से ट्राई किए जा रही हूँ कि मैं उसे खाना खिला दूँ, बट वो है कि जिद्दी लड़की खाना खाने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या मेरी टाई खाना नहीं खा रही है? रुक जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। जंगकुक, प्लीज जल्दी आ जाओ, उसकी तबीयत सच में ठीक नहीं है और तभी वो जिद किए जा रही है। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। जॉन जंगकुक, द शोल का सबसे बड़ा माफिया, या फिर ये भी कह दीजिए कि पूरी दुनिया का टॉप नंबर वन माफिया किंग है और इसके आगे किसी की भी नहीं चलती है सिवाय उसके टेटे के, जो कि उसकी प्यारी सी बेटी है। हाँ, रियल डॉटर नहीं। एक्चुअली काफी साल पहले जब जंगकुक अपनी मीटिंग के सिलसिले से बाहर जा रहा था, उसकी कार से एक कपल का एक्सीडेंट हुआ था और उन कपल की एक छोटी सी प्यारी सी बेटी थी। वो क्यूट और नन्ही सी परी तो बच जाती है, बट उसके मॉम डैड वहीं पर मर जाते हैं। जंगकुक तो उस लड़की को अडॉप्ट नहीं करना चाहता था, बट वो जब उसको अपनी आंखों के सामने देखता है, एक प्यारी सी, एक मासूम सी लड़की जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ इनोसेंट भरा था, वो अपने आप को नहीं रोक पाता टेको अपने करीब लाने से। द माफिया किंग जॉन जंगकुक की उम्र 34 इयर्स ओल्ड है और हमारी टेटे की उम्र सिर्फ 18 साल की। वो बहुत मासूम है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसी वक्त टेटे ने अपनी आंदाज खो बैठी थी और वो एक 5 साल की बच्ची बन गई। जी जी मीनाक्षी, टेटे को कुछ नहीं खाना है, टेटे को डैडा के पास जाना है, डैडा के पास जाना है टेटे को, टेटे ये नहीं खाएंगी। शट अप दे, अगर तुमने मना किया ना तो देखो फिर। कितनी बार खाएगी इतनी ऊंची आवाज में, मेरे टे के साथ बात मत किया करो। जंगकुक, देखो ना तुम्हें कितनी जिद्दी लड़की है ये, अब तुम ही संभालो। जिमिन जंगकुक की भाभी है और जंगकुक का बड़ा भाई शुगा, वो भी एक माफिया किंग है और ये बात जिमिन जानती है। जिमिन और शुगा की शादी फोर्सफुली की गई थी उनके मॉम डैड की वजह से। इस वजह से जिमिन शुगा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। टेटे, देखो कौन आया है। डैडा, जंगकुक की डैडा? नहीं, टेटे गुस्सा है, टेटे बात नहीं करेंगी। ओके, मैं जानता हूँ कि तुम उसे बहुत गुस्सा हो, आई एम सॉरी ना बेबी। जंगकुक की डैडा, टेटे को बुखार था, टेटे को सर्दी भी थी, पर टेटे को मिलने के लिए उसकी जंगकुक की डैडा नहीं आए, इस वजह से टेटे कट्टी है, कट्टी। ओह, आई एम सॉरी ना बेबी। जंगकुक सर, एक्चुअली आयु मैम का फोन है, आपसे बात करना चाहती है वो। व्हाट द हेल, उसे कितनी बार कहा है कि इस टाइम में मुझे फोन ना किया करे। ऑलराइट, मैं अभी आता हूँ। टाइम 5 मिनट्स रुको, तुम्हारे डैड अभी आते हैं। हेलो, आयु, जंगकुक, देखो मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, हमारी इंगेजमेंट को काफ़ी वक्त हो चुका है, अब मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। आयु लिसन, इस वक्त टे की हालत ख़राब है, डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं उसके सामने ऐसी हरकतें किया तो वो और भी डिप्रेशन में जा सकती है, मैं उसे ज़रा सा भी नहीं खो सकता हूँ, तो प्लीज़ उसके सामने शादी वादी की बात मत किया करो। और हाँ, मुझे इस वक्त फ़ोन भी मत किया करो। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि वो तुम्हारी डॉटर है ना कि तुम्हारी वाइफ, तुम इतना पॉजिटिव फील क्यों करते हो उसके लिए? हाँ, देखो आयु, आई एम कॉल यू लेटर, ठीक है, बाय। जंगकुक, आयु और जंगकुक की इंगेजमेंट उसके डैड की वजह से फोर्सफुली की गई है, जंगकुक बिल्कुल भी आयु को पसंद नहीं करता। अब उसके डैडा बिल्कुल फ्री है, अब बताओ क्या हुआ। डैडा,
उस चुड़ैल आंटी का फिर से फोन आया था ना, टेटी गुस्सा है। टाइ प्लीज देखो मेरी बात सुनो, कुछ दिनों के बाद तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा एज अ मॉम। बट आई डिडंट लाइक इट, आई हेट यू जंकुक की डैडा। टाइ, जितना जंकुक टे के लिए पॉजिटिव है उतनी ही टे भी, मतलब कि अगर कोई लड़की जंकुक से बात करे तो ये बिल्कुल भी टे को हजम नहीं होती है बात, क्योंकि टे पहले से ही जंकुक को पसंद करते हैं, एज अ डैड नहीं बल्कि कुछ और। टाइ लिसन, मेरी बात सुनो, देखो ऐसे मुंह मत फुलाओ, उतने दूर से मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, ये सब देखने के लिए नहीं। ऑलराइट, खाना खाओ जल्दी से। जंकुक की डैडा, आप उस आयु से शादी कर लोगे? टेटे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, टेटे को सिर्फ उसके जंकुक की डैडा के साथ रहना है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि जंकुक की डैडा के साथ कोई और सोए। टे जंकुक की बॉडी पार्ट को इस तरीके से टच करने लगी थी, लाइक बहुत ही ज़्यादा स्मूथली, जिसकी वजह से जंकुक बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, मतलब कि वो टच कुछ अलग सा था, नॉर्मल टच से बहुत ज़्यादा अलग। टेस्ट ऑफ इट, देखो अब तुम बड़ी होती आ रही हो, ठीक है, यू इस तरीके से टच करना, इट्स स्ट्रांग, ओके? और हाँ, आइंदा से तुम मेरे साथ नहीं सोंगी। बट क्यों जंकुक की डाटा, मैं तो आप ही के साथ सोती आ रही हूँ ना। बट अभी नहीं, तुम अभी बड़ी हो चुकी हो, ठीक है, और अच्छा नहीं लगता ये सब। आई हेट जंकुक की डैडा, नो आई हेट आयु, आप इस वजह से मुझसे दूर हो ना, क्योंकि आयु आपके साथ शादी करेंगी। आई हेट, उसे मैं हमारे बीच से हटा दूंगी, आई प्रॉमिस। या राइट, देखो मुझे कुछ नहीं जानना है, उसे मेरे सामने लाओ और हाँ शूट कर दो। कहते हैं कि प्यार में अगर कोई आपको याद कर रहा हो तो आपको हिचकी आती है, इसका मतलब कि कोई मुझे इस वक्त याद कर रहा है क्या? हाय हाय, मुझे तो शर्म आ रही है। इनको बहुत अच्छी तरीके से आती है बात को घुमाना, अगर किसी को चाहे तो इनसे सीख लीजिए। व्हाट यू मीन मिस्टर मिनयोंगी? ओ हेलो, कहाँ पर जा रहे हो, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तुम्हारी तो, अगर आपका हो गया होगा तो क्या ये डॉक्टर अंदर है? ओ मिस्टर डॉक्टर जेहोप, आइए ना, ते आपका इंतजार करिए, आप तो उसके फेवरेट बन गए हो। आई नो, मेरी पेशेंट कहाँ पर है, मुझे उसे चेकअप करना है। ओ हेलो डॉक्टर जेहोप, आई एम जॉन जंकुक। ओ हेलो, हाँ जेहोप हॉबी, आप आ गए, हेलो। टेटे अब रेडी है, बट टेटे को इंजेक्शन नहीं लगाना है। ओके, अब तुम्हारे जेहोप तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, आपको दर्द होता है ना? हाँ। What the hell? जंकुक टे के लिए एक अलग सा ही पॉजिटिव फील करता है, मतलब कि अगर कोई बॉय या फिर कोई भी उसे टच करे या फिर बात भी करे तो उसे काफी ज्यादा जेलेसी होती है। What the hell are you doing? चाहे चुपचाप बैठो। ओके जेहोप की हॉबी, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, टेटे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जेहोप जब ट्रीटमेंट के दौरान टे को टच करा था तब वो बहुत ज़्यादा शाय शाय फील कर रही थी, और इसे देखकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। मिस्टर जेहोप, अगर आपका हो गया होगा तो आप यहाँ से जा सकते हो। नहीं बस हो ही चुका है थोड़ा सा बाकी। मिस्टर जेहोप, मैंने क्या कहा आपसे, आप जा सकते हो। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ, टे अपना ख्याल रखना। ओके टाइ, चलो मेरे साथ। जंकुक की डाटा, टेटे को हर्ट हो रहा है, टेटे को यू इस तरीके से मत पकड़ो, टेटे को बहुत दर्द होता है। दर्द, मैं बताता हूँ। जंकुक की डाटा, आप टेटे के साथ ही क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ टेटे को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं तुम्हारी सारी हरकतें जान चुका हूँ टाइंग, इसका मतलब कि तुम्हारा मेंटल हालत सब ठीक है राइट? नहीं जंकुक की डाटा,
जंगू की दादा टेटे को ना जोपी होपा पसंद है क्या? क्या कहा तुमने? जंगू की दादा शराब। आइंदा से मैंने तुम्हारे मुंह से किसी और का नाम सुना ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, ठीक है? What the hell? जंगकुक, तुम जय के साथ इस तरीके का बिहेवियर कैसे कर सकते हो तुम? भाई, आप प्लीज अपनी फैमिली देखिए, आपकी खुद की फैमिली तो हो नहीं रही है। जंगकुक, तुमने जय को हैज अ डॉटर के रूप में लाया था, अब उसके बारे में क्या सोच रहे हो अपने माइंड में? मैं कुछ भी सोचो, ये मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी प्रॉपर्टी पर अगर किसी ने भी डोरे डालने की कोशिश की ना तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा, फिर चाहे आप क्यों ना हो। जंगकुक सर, हमने मिस्टर काई को पकड़ लिया है, बस उसे मारने की देरी है। आई एम सॉरी। चाय चलो। जंगकुक रुक जाओ, भाभी प्लीज चलो तुम मेरे साथ। नहीं, टेटी को नहीं आना है, टेटी को अच्छा नहीं लगता। जंगकुक की डांडा टेटी का हाथ छोड़िए, टेटी को दर्द हो रहा है। वो इंसान देख रही हो तुम जो कि अभी इस वक्त रस्सियों से बंधा हुआ है, अभी इसकी जिंदगी कब और कैसे खत्म होगी ये डिसाइड सिर्फ मैं कर सकता हूँ। और अब ये देखो कि वो कोई और नहीं, वो तुम्हें चाहने वाला है, और उसकी हालत में क्या करूँगा। जंगकुक की दादा टेटे को ये नहीं देखना है, टेटे को डर लगता है। अपनी आंखों से देखो। जिमिन जाओ, टेडी को लेकर जाओ, ठीक है? हाँ चलो टे। जंगकुक, व्हाट्स रॉन्ग? आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ? हाँ, क्यों इस तरीके का बिहेवियर किए जा रहे हो? और तुम लोग इस लाश को ठिकाने लगा देना, चलो तुम अब मेरे साथ, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। जंगकुक काम की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेस था और वो काफी थक चुका था, इस वजह से वो बिना किसी से मिले ही अपने रूम में जाकर आराम कर लेता है। जिमिन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, मेरे रूम में। जिमिन, मैं यहाँ पर सोने के लिए आया हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ते मेरे साथ सो रही है। नहीं जिमिन जी, आप शुगा शुगायों के साथ सो, टेटी को नहीं सोना है तुम दोनों के साथ। टेटी को अपने जंगकुक की डैडा के पास जाना है, वो जा रही है। जाए, पर देखो वो जा रही है तो उसे जाने दो। और हाँ, ये मेरा भी रूम है, तुम यहाँ पर सो सकता हूँ। सो जाओ नीचे। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और पता नहीं अचानक से मुझे बुखार जैसा फील क्यों लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। टेटी जंगकुक की डैडा के साथ सोएंगी क्योंकि उसे जंगकुक की डैडा के अलावा नींद नहीं आती है। जंगकुक की डैडा, जंगकुक की डैडा आपकी तबीयत खराब है? मैं ना जेहोपी होबा को फोन करके बुलाती हूँ। नहीं डे, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ, किसी को मत बुलाओ प्लीज, मैं ठीक हूँ। और तुम जाओ यहाँ से, इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रही हो तुम? नहीं, टेटी को नींद नहीं आ रही है, टेटी को उसके डैडा के साथ सोना है। एक मिनट। हेलो, या आई यू? आई एम ओके, एक्चुअली बस कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। नो, आई एम फाइन, तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं मैनेज कर लूँगा, बस थोड़ा सा बुखार है। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। तुम गई नहीं अभी तक? जंगकुक की डांडा, आई हेट आई यू, आप उससे बात मत किया करो ना। क्यों? बिकॉज टेटे को आप पसंद हो, टेटे आपसे प्यार करना चाहती है। और शट अप चाहे प्लीज, ये सब बातें करना बंद कर दो।
डेव बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती है। वो बिना जंगकुक की बात सुने जंगकुक को किस कर लेती है, वो भी बहुत जोर से। जंगकुक के दादा टेटे को ना, टेटे को आप बहुत पसंद हो, और टेटे को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके जंगकुक के दादा किसी और के साथ ये सब करें। शट अप टाइप प्लीज। वेट वेट, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? हाँ आप जानते टेडी को आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से रहना है। मैंने ना जिमिनाशी से सुना था, मतलब जंगकुक की डाटा, अगर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के साथ सब करे तो वो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ये भाभी ना पता नहीं क्या क्या सिखाती रहती। तो देखो जाओ यहाँ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जाए, मैंने ना टीवी में देखा था कि अगर बेबी ना मम्मा का मिल्क पिए तो वो ठीक हो जाता है। आप मेरा मिल्क पी लो। व्हाट? हे यू आर रियली क्रेजी। देखो अगर मेरा हाथ उठाना तो तुम जाओ यहाँ से टाइम प्लीज। टेटी ना कहना चाहती है दादा आप एक बार ट्राई करो। टेप प्लीज, इनफ इज इनफ, मेरे सब्र का इम्तहान मत लो वरना मैं सच में कर दूंगा। टेटे यहाँ से जाएंगी, टेटे को यहाँ से जाना है। टेटे जो भी हो बा के पास जाएंगी। क्या कहा तुमने? तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। ओके फाइन। आइश जंगकुक की डंडा, इट्स हार्ड, डोंट कॉल मी डैडा, डैडी कहो डैडी, इट्स कूल बेबी। नहीं टेटी को यहाँ से जाना है। ओ कहाँ पर जा रहे हो तुम? यू लव्स मी यस और नो? या टेटी लव्स यू, बट वॉट बट यू नो वॉट, यू जस्ट अ लिटिल जेलस बेबी। टेटी लव्स यूर बिग एलिफेंट। तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो सच में। ओके फाइन, क्या तुम अपनी माउथ में लेना पसंद करोगी मेरे बिग एलिफेंट को? यस, इट्स रियली हार्ड। ओके देन ओपन योर माउथ, बट इट्स सच अ बिग, आई कैंट। शट अप टाई, ओपन योर माउथ। टाई बेबी, ये सच में बहुत हार्ड फील कर रहा है मुझे। टाई रुक जा। हे लिटिल क्रेजी गर्ल, इसे खाना नहीं होता है, इसे लॉलीपॉप की तरह चूसना होता है। ऑलराइट, समझ रहे हो तुम? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? देखो जैसे कि तुम एक लॉलीपॉप को कैसे चूसती हो उस टाइप से, तुम्हें अपने दांत नहीं लगवाने हैं वरना मुझे हर्ट होगा ना बेबी के। या टेटी को समझ आ गया। प्लीज तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, देखो मेरे बेड से हट जाओ वरना मैं थारे बाप का नौकर ना। ये गाना गा रही थी ना तुम सुबह जिमी? देखो तुम यहाँ से जाओ वरना वरना क्या, मुझे तुम्हारे साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे है। ओह कम ऑन, अब मान भी जाओ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और इतना हॉट भी हूँ। देखो ना, देखो तुम्हारे पेत्रे मुझ पर आजमाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? मैं तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसने वाली हूँ मिस्टर मिनियोंगी शुगा बिल्ला। मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊंगी पर मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। यही तो चाहता हूँ मैं। क्या कहा तुमने? मैं यही बार सोऊंगी, मेरा रूम है, ये मेरा बेड है और तुम भी मेरे हो, मतलब। क्या कहा तुमने, फिर से रिपीट करना। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल। देखो ओ कम ऑन, देखो जिमी
इट्स रियली बिग हार्ड। एक साल से मैं वेट किए जा रहा हूँ इसे तुम्हारे अंदर इन करने का, बट तुम हो कि चांस ही नहीं दे रही मुझे। बिकॉज आई डिडंट लाइक इट माफियाज, मुझे माफियाज से नफरत है। बट जिमिन, माफियाज किसी के हार्ट को हेट नहीं करते, जैसे कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने किया था। आई नो कि तुम्हारा शादी से पहले अफेयर चालू था। ऑलराइट, मॉम डैड के आने के तुरंत ही बाद में उन्हें बता दूंगा कि जिमिन मेरे साथ खुश नहीं है, तो हम डाइवोर्स ले लेंगे, ठीक है? ओके बाय। तुम्हें कैसे पता चला मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में? और ये क्या कह रहे हो तुम, डाइवोर्स? शादी हुई है, मैं नहीं दूंगी तुम्हें डाइवोर्स। तुम तो वैसे भी मुझे वो सब नहीं देना चाहते हो, तो फिर क्या ही मतलब है? क्या कहा तुमने? मतलब कुछ नहीं, देखो शादी हो गई आई नो, बट उसके साथ कुछ और भी तो होना जरूरी है ना, तभी तो शादी हो मतलब कहलाती है, यू नो, अंडरस्टैंड? ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये देखो, क्या देखो? अब मेरी बॉडी देखो, मैं तुम्हारे साथ वो सब करने के लिए तैयार हूँ। व्हाट यू मीन, मजाक कर रहे हो क्या तुम? टाइट है, वेट, उसे बाहर निकालो, इट्स डर्टी। नो, टीटी को ये यम्मी लगा। शट अप टाई, क्या कर रहे हो तुम, वो गंदा था। बट टेटी को ये पसंद आया। यू सच अ क्रेजी गर्ल, और तुम मुझे भी पागल बना रहे हो अपने लिए। व्हाई आर यू लव सो मच विथ मी? हां, ओह शिट बेबी टाई, तुमने कहा था ना कि मेरी तबीयत तभी ठीक हो पाएंगी जब मैं तुम्हारा मिल्क ड्रिंक करूंगा। नहीं, टेटी को शर्म आ रही है। ओह कम ऑन, मैं जानता हूँ कि तुम एक नंबर की बेशरम हो, तभी तो वेट। चलो भी, अब मना मत करो, मेरी तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं है, बट जब मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा हूँ। ना, टेटी को शर्म आती है। ओके देन फाइन, मुझे लगता है कि शायद मुझे कॉल करना पड़ेगा आयु को। नो नो, आई एम योर लिटिल चाइल्ड ना। या इट्स सच अ अमेजिंग डे। डे यम्मी है, बट इसमें से मिल्क ही नहीं आ रहा है, मैं ठीक कैसे हो पाऊंगा? टेटी को शर्म आ रही है। ये क्या कर रहे? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मेरे बिग एलिफेंट को तुम्हारे अंदर इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, इट्स हॉट, टेटी को हॉट हो रहा है। ओनली 5 मिनट्स रुक जाओ, फिर उसके बाद तुम्हें आराम ही आराम लगेगा। नहीं, टेटी को हॉट हो रहा है, टेटी ये नहीं करेंगी। टाइ प्लीज, अभी ओवर एक्टिंग करना बंद कर दो। देखो मेरा मूड बन चुका है, तो इसे खत्म मत करो वरना। किसका फोन है? डैड का? क्या हुआ, उसने फोन नहीं उठाया क्या? कहाँ उठाएगा, तुम्हारा जो बेटा है। मतलब शुगा को ट्राई करके देखता हूँ जिन। हाँ ठीक है, करिए जल्दी। ओले ले ले, मेरा छोटा बेबी, मेरा कुछ मुझे, मेरा बिल्लू ना, शुगा को और चाहिए, और ज्यादा। ओ मेरा बच्चा, एक मिनट, शुगा फोन आ रहा है। किसका? उठाओ तो सही प्लीज। ओके, हेलो शुगा। हेलो, कौन है? हेलो, ओह शिट, ओह शिट शिट शिट, क्या हुआ, किसका फोन है?
जिमिन डैड का फोन है और उन्होंने मुझे फोन किया। क्यों, ये जंगकुक नहीं उठा रहा है क्या? वेट, मैं क्या करूँ? कट करूँ क्या? कट ही कर दो, उठाने से कहीं मतलब। ओके, क्या हुआ, फोन नहीं उठाया क्या उसने? बिल्कुल नहीं। आप पर जो गया है क्या मतलब? कुछ नहीं, चलिए जल्दी आयो और जंगकुक की शादी की तैयारी करवानी है हमें। हाँ ठीक है चलो। What's wrong with you, huh? You're sad. Tete को यहाँ से जाना है। Tete को बहुत दर्द हो रहा है। Why are you so crying, huh? देखो, मैंने कहा ना कि 5 minutes लगेगा, फिर उसके बाद चिल मारो। 5 minutes? 10 minutes से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। आधा घंटा? नहीं, मुझे जाना है। Come on, Ty. अब ये सब करना बंद कर दो। यू नो व्हाट, तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा शेप फील करवा रही हो और तुम जानते हो ना कि तुम कितनी हॉट लग रही हो, और इस तरीके से मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता ना बेबी। ओके, फ्रेश हो जाए, फिर इसके बाद हम फिर से करेंगे। टेटे टायर्ड फील कर रही है, उसे नींद आ रही है। ओ आई नो, बट हमारे पास पूरी फुल नाइट है, इस नाइट को मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता ना। टाय, तुमने अभी चिल्लाया क्या? नहीं टेटे, नहीं चिल्लाई। तो ये कौन है जो चिल्ला रहा है? शुगा, ये तुम्हारा आनाकोंडा बाहर निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिमिन, आई नो, देखो हम शादी के बाद काफ़ी दिनों के बाद कर रहे हो, लाइक फर्स्ट टाइम। देखो ना, अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ ना, बिकॉज अब मुझे मौका मिला है तुम्हारे साथ, और मैं इस मौके को मेरे हाथ से नहीं जाने दूंगा। कहाँ पर है? ओ शिट, मैं तो भूल गया कि मेरे सारे कॉन्डोम्स के पैकेट खत्म हो चुके हैं। ओके, मैं विदाउट कॉन्डोम करूँगा, और वैसे भी अब तो मेरी वाइफ हो ना। नहीं, मैं थक गई हूँ, मुझसे दूर हट जाओ वरना मैं तुम्हारे पिछवाड़े में एक किक मार डालूंगी, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। देखो मुझे बहुत थकान फील हो रही है। आई एम सॉरी जिमिन, इट्स ओके। शुगा डैडी, या बेबी, आप आयु के साथ शादी करोगे? ओ नो, पागल हो गए तुम। अब जब मैं तुम्हारे इतने करीब आ चुका हूँ, हम इतने फिजिकल हो चुके हैं, तो तुम सोच कैसे सकते हो कि अब मैं तुम्हारे अलावा किसी और गर्ल के बारे में सोचूंगा भी? शट अप, ये सब बिल्कुल नहीं होगा, और ना ही मैं उस आयु के साथ शादी करूँगा अब। ओके, आई लव यू सो मच, आप जानते हो मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। एंड उस जबी हॉबी को, वो तो तुम्हारे दिल के करीब है ना? नो ना, जबी हॉबी ओप्पा, ओप्पा है वो मेरे आपसे, आप मेरे डैडी हो। आई लव यू, देन स्टार्ट करें फिर से। बब्बर, हाँ जीमिन, सुकून मिला तुम्हारे बाहों में। भाई मजा आया, मुझे तो शर्म आ रही है। वैसे जीमिन तुम वाइफ बहुत अच्छे हो, बट गुस्सा करते हो बात बात में। क्या? देखो फुल जैसी वाइफ मिली है, अगर फुल लोगे तो कांटे तो चुभेंगे, तो उसका गुस्सा भी तुम्हें सहन करना पड़ेगा। शाबाश बेटा। ओके ओके, वैसे ना बूढ़े लोगों ने कहा है कि जो ज्यादा ज्ञान देते हैं ना, उसे अपने दिल से बाहर निकाल दो। हाँ तो वो ठीक ही कहते हैं। तो जिमिन, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूँ? क्या कहा तुमने? आई हेट यू शुगा जी, आप बहुत ज्यादा करते हो। I'm sorry. It's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day. Hi, जी, मेरे बेटे दोनों के दोनों कितने अच्छे हैं ना? देखो ना, माफिया होने के बावजूद इतना बड़ा घर है, अभी तक एक चोर नहीं आया यहाँ पर चोरी करने के लिए। चोरों के घर में कौन चोरी करेगा जी? क्या कहा आपने? कुछ नहीं। Thank you.
बेटी को फ्रेश होना है, नहीं तुम दूर मत जाओ मुझसे प्लीज। नहीं नहीं कहा ना मैंने तुम नहीं जाओगी टाई। टाई वन मोर क्या? नहीं नहीं टेटे को हर्ट होता है। ओ कम ऑन प्लीज। शुगा बेटा, जिमिन, मॉम, डैड आप आ गए? वो सब ठीक है जिमिन, शुगा कहाँ पर है? वो फ्रेश हो रहे हैं। आपने बताया नहीं हमने कल रात फोन किया था जंकुक और शुगा के फोन में, पर दोनों ने फोन नहीं उठाया, वो सो गए थे ना इस वजह से। जिमिन देखो ना मेरा बिग डायनासोर तुम्हारे बिगर मान ही नहीं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मम्मा पापा शुगा ये क्या है? हाँ आई एम सॉरी। ये लड़का ना, अच्छा ठीक है चले जी यहाँ से। जिमिन शुगा को लेकर आ जाना, हम जंगो के रूम की तरफ जा रहे हैं। जी सासू माँ। आयश ये बहुत ज्यादा ठंडा पानी फील कर रहे हैं। टाइम तुम बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो। आई लव यू। यू नो व्हाट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब आगे जाकर कोई मुझसे क्या कहे, मैं तुमसे शादी करूंगा। ओके जंकुक, एक मिनट, डैड, आर्यन और जिन जंकुक के मॉम डैड है और साथ में शुगा के भी, वो दोनों आउट ऑफ कंट्री थे कुछ दिनों के लिए। जंकुक टे के साथ शावर ले रहा था और जब वो बाहर निकलता है तो उसके पीछे पीछे टे भी निकलती है, जिसे देखकर नामचिन काफी ज्यादा शॉक हो जाते और साथ में वहाँ पर खड़े योनमिन भी। व्हाट द हेल जंकुक, ये क्या है? डैड जंकुक क्या तुझे जरा सी शर्म नहीं है अपनी सी छोटी लड़की के साथ इस तरीके की हरकत करते हुए? What's wrong? इसमें गलत क्या है? मैं तेरे से प्यार करता हूँ अब, और मुझे अब उस आयु के साथ शादी नहीं करनी है। ओके? क्या मतलब शादी नहीं करनी है? हाँ सारे लोगों को कार्ड्स बच चुके हैं, तुम जानते हो ना कि उसके डैड वो भी एक माफिया है। आई डोंट फंकिंग केयर, मैं तेरे से प्यार करता हूँ अब, और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है, तो प्लीज़ अब चाहे वो माफिया कोई भी हो, आप तो जानते हो ना कि अगर मेरे प्यार के बीच में अगर मेरे बीच में कोई भी आया तो मैं उसे जिंदा मार डालूंगा। और हाँ ये बिल्कुल मत सोचना कि आप देखो उल्टा सीधा कुछ भी कहोगे, मैं इससे नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी मॉम डैड, बट प्लीज़ आप भी मेरी फीलिंग्स को समझो। बाकी आप फिक्र मत करो कि आयु के डैड एक माफिया है, आपका बेटा उससे भी बड़ा माफिया है। ओके ठीक है हम बात करते हैं। टाई अब बताना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे जाने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कल रात क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? नहीं टेटी नहीं बताएंगी, उसे शाय शाय फील हो रहा है। अच्छा प्लीज़ बता दे, मैं मेरा सीक्रेट बताऊँगी फिर तो बताना ठीक है? तो जानते हैं कल और मैं शुगा हम दोनों एक साथ, हाय मुझे शर्म आ रही है, वो मेरे बहुत क्लोज थे और तुम जानते हो उसने तो मुझे बहुत ज़्यादा किस किए। अब मैंने बताया अब तुम्हारी बारी। वो ना मैंने ना उनका बिग हाथी अपने माउथ में लिया था। बिग हाथी ये क्या होता है? जिससे टेटे को बहुत हर्ट फील हुआ था, उन्होंने जब अपना बिग हाथी, मुझे शर्म आ रही है। जंकुक के पास बड़ा हाथी है और मेरे वाले के पास बड़ा आईना कोंडा, पर मैंने तो नहीं लिया उसका बड़ा वाला आईना कोंडा मेरे मुंह में, अगर मैं लेती तो मैं जिंदा खा बसती। वैसे डे तुझे डर नहीं लगा कल रात? ना बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत ज्यादा शरारती हो पर मुझे डर लग रहा है। देखो ना अब जंकुक ने आयु को मना कर दिया है से शादी के लिए, तुम तो जानती नहीं कि उसके डैड कितने बड़े माफिया है, पता नहीं जंकुक का क्या हाल होगा। आयु आयु की वजह से डैडी को हर्ट होगा? ओके वो सब छोड़ो, वैसे भी तुम तो खुश हो जाओ क्योंकि मम्मी पापा ने तुम दोनों की शादी के लिए हाँ कर दिया है, बाकी जंकुक संभालेगा। ओके
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आयु। देखो मैं कोई लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, तुम तो जानती हो कि तुम मेरी फ्रेंड हो, और हाँ कि मॉम डैड की वजह से मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हो गया था, बट अब मुझे किसी और से प्यार है और मैं अब उसे धोखा नहीं देना चाहता हूँ। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इस वजह से तुम ना कहोगी तो फिर तुम्हारे डैड और मेरे बीच में बहुत बड़ी जंग हो जाएंगी। ओके देन फाइन जंगकुक, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी शादी के लिए, बट फ्रेंड्स तो रह सकते ना हम। बिल्कुल या मैं समझ चुका हूँ। ओके डैडी या बेबी, मुझे ना आपके साथ कहीं बाहर जाना है। बेबी तुम देख रहे हो ना कि मैं इस वक्त बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ ठीक है। बट बेबी देखो इस वक्त मुझे परेशान मत करो, तुम बाहर घूमना चाहते हो ना, तो मैं भाभी को कह दूंगा, वो तुम्हें लेकर जाएंगी। पर डैडी वो तो शुकायों के साथ गई है बाहर। ओके तो ड्राइवर को कह दूँ? नहीं टेटे नहीं जाएंगी कहीं भी, दैट्स गुड गर्ल, अब जाओ आराम करो ठीक है। ओके हेलो आयु, या मैंने देख लिया है, बाय द वे इस बार की तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ओके देन हाँ मैं अभी आता हूँ तुमसे मिलने के लिए ठीक है, बाय। जंगकुक बिना टे से बात किए वहाँ से निकल जाता है। टे को इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है क्योंकि जंगकुक ने आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया था। ओ शुगा तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो, पता है तुमने पूरी जगह पर मुझे छेड़छाड़ की, पता है तुम बहुत ज़्यादा खराब हो। जिमिन चलो ना बेडरूम में, मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। बाय द वे शुगा आज तो तुम्हारी गैंगस्टर के साथ मीटिंग्स थी ना? आई नो बट मैंने कैंसिल कर दिया, तुम्हारे आगे मैं क्या ही करूँ, चलो जल्दी। ओ थैंक यू, लव यू सो मच। बेटा टे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? नहीं टेटे को जंगकुक की डैडा के पास जाना है। ओ अब वो तुम्हारा हस्बैंड होने वाला है तो आई थिंक कि तुम्हें डैडी वैडी नहीं कहना चाहिए। बट उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें डैडी कहूँ, ये क्या जंगकुक भी ना। ओके बेटा जाओ आराम कर लो ठीक है। जी टेटे को बहुत बुरा लग रहा है, जंगकुक की डैडी ने एक बार भी टेटे को फोन नहीं किया, टेटे से एक बार भी बात नहीं की, टेटे गुस्सा है। आई थिंक टेटे का फोन लग नहीं रहा होगा, जिमीशी को कहती हूँ वो लगा कर देंगी। हाँ शुगा आर यू सीरियस, ये तुम्हारा एनाकोंडा मैं अपने मुंह में लूँ? मतलब देखो ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। कम ऑन जिमिन प्लीज, देखो ये बहुत ज़्यादा हार है और जब तुम अपनी मौत मिलोगी ना ये और भी ज़्यादा हो जाएगा। ओके ट्राई करती हूँ मैं। अमेजिंग जिमी, अमेजिंग जिमी शी, जिमी आउच, जाओ शुगा जल्दी बाथरूम में घुसो। ओके क्या हुआ टे, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? जिमी शी आपके मुंह में ये खून क्यों लगा है? वो मैं खाने की लिपस्टिक लगा रही थी, अंदर गया काट दिया, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, अब मैं शायद 4-5 हफ्ते कुछ ना कर पाऊँ। म्यूजिक क्या हुआ? वो जिमीशी जंगकुक की डैडा का फोन नहीं लग रहा है, जंगकुक की डैडा का फोन लगा दो ना प्लीज। ओके अभी लगा कर देती हूँ। हेलो जंगकुक, हाँ यहाँ वो कहने की टे तुमसे बात करना चाहती हैं। अच्छा तो तुम बिजी हो, देन फाइन मैं टे को बता देती हूँ। ओके बाय। टाय तुम्हारे जंगकुक की डैडा अभी बिजी है तो वो तुमसे बाद में बात करती हैं ठीक है, जाओ तुम अब। ठीक है। टे जंगकुक का वेट करते करते इतनी थक चुकी थी कि वो वहीं पर सो जाती है, और आधी रात को जब जंगकुक भी आता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। आइश टे तुम
काफी क्यूट लगती हो सोते हुए। I'm sorry, but the big surprise कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता ना बेबी। जंकू की दादा आप आ गए। हाँ, तुम सोई नहीं? टेटिस सोई थी, उठ गई। I know, ठीक है फिर से सो जाओ। नहीं, जंकू की डैडी टेटी को बहुत हर्ट फील हो रहा है, आप उससे बात नहीं कर रहे हो ना? बेबी ट्राई टू अंडरस्टैंड, कितने ज़्यादा काम रहते मुझे, माफ़ है हंस जो हो। और तुम तो जानते हो ना कि हर एक लोगों को टपकाना पड़ता है, मारना पड़ता है, उसकी बॉडीज को ठिकाने में लगाना पड़ता है, पुलिस से बचना पड़ता है, कितना ज़्यादा काम है। और इन सब चीज़ों में मैं थक जाता हूँ। अब तुम सो जाओ ठीक है, मुझे भी आराम करने दो। दे बिना कुछ कहे जंकू की बॉडी को टच करने लगती है और वो बहुत ही कस के जंकू को हग कर लेती है। नहीं, टेटे को जंकू की डैडी के साथ ही रहना है, टेटे को दूर नहीं रहना है। ओके, नहीं रहना है दूर, आई नो, बट टे ऐसे मत पकड़ो ना प्लीज। आयुष बेबी, अगर तुम ऐसे ही टच करने लगी तो मैं तो अपना कंट्रोल ही खो बैठूंगा, और मुझे और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। चाय, ठीक है सो जा, गुड नाइट। बट डैडी, मिस्टर हॉब अब ते कैसे हैं? हाँ वो ठीक है। अब तुम कैसे होते? जी होपी होबी, टेटे बहुत अच्छी हैं। थैंक यू, आपने टेटे का इतना ख्याल रखा, ये तो मेरा फर्ज था, बिकॉज ऑफ यू माय फ्रेंड, राइट? या एंड दे कंग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू लाइफ, तुम जंकू के साथ शादी कर रही हो, वो बहुत अच्छा लड़का है। आई नो, भले वो एक माफिया है पर तुम्हारा ख्याल काफ़ी अच्छे तरीके से रख लेगा। ओके देन फाइन, आई एम गोइंग राइट नाउ। ओके बाय बाय जिमिन, थैंक यू सो मच डॉक्टर जेहब, थैंक यू। डैडी, हाँ बेबी, कल हमारी वेडिंग है, जीन मॉम और आर्यन डैडी ने बताया। आई नो, सो तो आप, यू डोंट लव मी ना? व्हाट, किसने कहा तुमसे? जंगुक सर, मिस आई का फोन आया है। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ, चाय अभी आता हूँ मैं, ठीक है? जंगुक लगातार टे को हर्ट किए जा रहा था, वो उसे इग्नोर कर रहा था सब कुछ जाने के बावजूद भी। और फाइनली वो डे आ ही जाता है जब टाई और जंकू की शादी होने वाली थी, पर उस टाइम भी जंकू मिसिंग था। वाव, तुम काफी अच्छी लग रही हो, ये रहा हमारा खानदानी झुमका। अरे हमारे खानदानी कंगन, अरे हमारा खानदानी हार, पता है अरबों का है, संभाले रखना ठीक है ना? इतना सब कुछ कहाँ से निकला? आपने तो कहा था कि आप गरीबी से जूझ जूझ कर आए हो, मतलब कि आप तो खानदानी गरीब थे ना सासू माँ? वो कहने की, हाँ बेटा, पर बहू खानदानी गरीब को छोड़ो, लात मारो, देखो ना मैं तुम्हारे लिए खानदानी हीरो का हार लाई हूँ, ये भी अरबों से कम नहीं है। ओ थैंक यू सो मच सासू माँ, अब मुझे नहीं जाना है कि आप कौन से गरीब थे, थैंक यू। ओके बेटा जाओ, तैयार हो जाओ, वैसे जंकू खा पाए। शुगा, तू जानता है कि तेरी माँ ने मुझे पूरा कंकाल बना कर रख दिया। हाँ डैड, अब मेरी बारी। हाँ बेटा, ये ले, ये घटक ले, बहुत हॉट है। आई नो डैड, ठीक है ना? तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो, एक मिनट मैं अभी आती हूँ। ओके, टे जंकू को ढूंढते ढूंढते उसके मेकअप रूम तक आती है, और जब वो आती है तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है अपनी आंखों के सामने का नज़ारा देखकर। आई एम सॉरी आयु, बाय मिस्टेक हो चुका है ठीक है, और जब मैंने तुम्हारे अंदर फिट किया था ना तो जा ही नहीं रहा था। ओके हाँ मैं जानती हूँ, व्हाटएवर। टाई डैडी, बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आई हेट यू डैडी, आई हेट यू जंकुक। जंकुक क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? आई हेट यू, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। टेटे हेट्स यू, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। टाई वेट, अरे इसे क्या हो गया? टाई रुक जाओ, क्या हुआ इसे?
पे एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुनो। टाय टाय, तुमने मुझे स्लैप किया? हेट यू जंगकुक, आई हेट यू। टाय, इनफ इज इनफ, हुआ क्या? जल्दी जवाब दो। यू डोंट लव मी, आई नो, दैट इज हर्ट हर्ट। यू लव्स आर यू राइट? व्हाट? वेट, क्या सुना तुमने? वो, आर यू क्रेजी? मैं उसके हाथों में रिंग ट्राई कर रहा था, वो फिट नहीं जा रही थी। व्हाट? या इडियट, चलो मेरे साथ। आई चोप, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही हो। तुम जानते हो कि जब मैंने तुम्हें जंगकुक के साथ फर्स्ट टाइम देखा था, तब मेरा दिल मेरे फेफड़ों के नीचे गया था। मतलब आई एम सॉरी, यू लुक सो हॉट। आई नो, देखा तुमने? देख रही हो? आयु जंगकुक, जंगकुक आई एम सॉरी, डिस्टर्ब। आयु, मैं तुम्हारे हाथों में जो अभी रिंग ट्राई कर रहा था, क्या तुम मुझे दोगी? हाँ, ये तुमने टेक के लिए लिया था ना, ये लो, ये रहा रिंग, ये रहा तुम्हारा हाथ। ओके, यू डोंट ट्रस्ट मी, आई नो, बट इट्स नॉट माई फॉल्ट, यू इग्नोर मी। सो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, बट मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना सब कुछ सोच लूँगी मेरे बारे में। सॉरी जंगकुक, देख क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? फादर तुम्हारा इंतजार कर रहे शादी के लिए। डैडी, आप मेरे साथ शादी नहीं करोगे अब? तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम्हें तो इस बात की पनिशमेंट मिलेंगी कि तुमने मुझ पर शक किया वो रात को। अब चलो शादी करने के लिए। कुछ ही घंटों में जंगकुक की शादी पूरी कम्प्लीट हो जाती है और सारे लोग अब अपने घर निकल जाते हैं। हाँ, शादी कम्प्लीट। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आयु के डैड यहाँ पर आकर गोलियों की बरसातें करेंगे, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ। और आप तो जानते हो कि आयु अब डॉक्टर जॉब के साथ फिक्स हो चुकी है। मैं क्या कहती हूँ कि हम लोग भी अब जाते हैं हमारे वापस घूमने के लिए, अब इस बार शिमला जाएंगे। हाँ ठीक है जीनू, वो तुमने खानदानी जेवर रखे थे ना झुमके? हाँ, क्या करूँगी, बेचना चाहते हो? नहीं, मैं क्यों बेचूंगा, सोचना भी मत, चलिए जल्दी। ठीक है। आईश डैडी, इट्स हार्ड, प्लीज, ये बहुत ज्यादा हर्टफुल हो रहा है। आप इतने जोरों से बाइट जो ले रहे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। टाई, इट्स ओनली फर्स्ट राउंड। नो, इट्स नॉट अ फर्स्ट राउंड, ये तो अब मेरा स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अब देखना अब तुम्हें आगे क्या क्या हार्ट फील होता है। तो इट्स अमेजिंग। प्लीज डैडी, अपने स्पीड को बढ़ाओ। आर यू सीरियस टाय, इतने फास्ट कर रहा हूँ मैं, तुम सही कैसे ले रही हो? हाँ, माफिया की वाइफ हो, इतना तो कर ही सकती हो ना मैं। हे, क्या मैं तुम्हें पनिश दे रहा हूँ या फिर तुम मुझे पनिश देने की कोशिश कर रही हो? हाँ, रुक जाओ प्लीज, एक मिनट। हेलो लीसा, हे यू ब्लडी बिच, अगर आइंदा से मेरे हस्बैंड को फोन किया ना, तो वहां पर घुसकर मारूंगी। सोच लो कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है या फिर और तुम सुनो, यू ओनली माय, सिर्फ तुम मेरे हो, समझे तुम? आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, प्लीज प्लीज क्लाम डाउन। टाई, ओ शिट, इसका मतलब कि मैं जितना पॉजिटिव नहीं हूँ तुम्हारे लिए, उतना तुम मेरे लिए हो। सोच लो, अगर मैंने देख लिया कोई भी लड़की तुम्हारे करीब आते हुए, तुम्हें उसे जान से मार डालूंगी।
आई एम सॉरी आइंदा से मैं किसी गर्ल के पास नहीं जाऊंगा, ओके? दैट्स माय गुड बॉय जंगकुक, तुमने मुझे पागल बना दिया है, अब देखना मेरा पागलपन। Are you sure, जिमिन, तुम्हें लेना चाहती हो अपने माउथ में, क्योंकि मैं नहीं देना चाहता। Oh please, शुभा उस बार टी आई थी इस वजह से थोड़ा दांत लग गया। I'm sorry ना, जिमिन तुम नहीं जानती बहुत दर्द होता है। ओह, इस बार ट्रस्ट करो मुझ पर, प्लीज। ओके ओके जिमिन, ओपन योर माउथ, आई एम रेडी मिस्टर मिनियों की शुगा। जिमिन ये बहुत ज्यादा हॉट पिल आ रहा है। जिमिन ये क्या कर रहे हो तुम? यम्मी, आर यू क्रेजी? ये क्या किया तुमने? ओह कम ऑन। तो अब लगता है कि मेरी भी सुहागरात का टाइम हो चुका है, तो बाय बाय। जंगकुक और डे की शादी को पूरे लगभग एक साल हो चुका है और जियोनमिन की शादी को 2 साल। वो दोनों ही कपल्स अपनी जिंदगी बहुत हंसी खुशी और प्यार से निभा रहे हैं और अब नामजिन भी फिर से किसी और ट्रिप में चले गए हैं। अब वो गए हैं हिमालय पर्वत में। आर्मीज़ में आप सभी को बता दूं कि ये स्टोरी स्ट्रिप मैंने फन और एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है, तो प्लीज़ डोंट टेक अ सीरियस। और हाँ, मैंने उन आर्मीज़ के लिए बनाई है खास करके स्टोरी जिन्हें ऐसी स्टोरी देखना पसंद है। सो जो भी हेटर्स यहाँ पर आए हैं, तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक मेरी स्टोरी को देखा। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक हॉट और सेक्सी स्टोरी के साथ। ओके, तो फिर वेट कीजिए, बाय।